एपिसोड 60 गलत इरादे। मिनी और आरमन के बीच जो इशारों ही इशारों में बात हुई थी उसके क्या मायने थे ये कोई नहीं बता सकता था, लेकिन ये बात तो तय थी कि इस बारे में वरुण को कोई खबर नहीं थी। उस रात वरुण डिनर करने के बाद रोज की तरह अपने पापा के कमरे में जाने की बजाय सीधे अपने कमरे की सीढ़ियां चढ़ जाता है, क्योंकि इतनी बड़ी गलती करने के बाद उसमें अपने पापा के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं थी। अपने कमरे में पहुंचकर वरुण अपने स्टडी एरिया में पहुंचता है, जिसमें नए बिजनेस से जुड़े आइडियाज की तो बहुत सारी किताबें थी, लेकिन फैशन के नाम पर बस एक दो पुरानी मैगजीन्स। लेकिन इससे वरुण निराश नहीं हुआ और अपना लैपटॉप खोलकर टेबल पर बैठता हुआ खुद से बोला, तुझे ये करना ही होगा वरुण, ये तेरा पहला मौका है जो बहुत जल्द तेरे लिए आखिरी बनने वाला है, तू ये कर सकता है। ये कहकर वरुण अपने लैपटॉप में कुछ टाइप करता है और पढ़ने लगता है, लेकिन काफी देर रात तक अलग लोगों और कंपनीज के बारे में पढ़ने के बाद भी जैसे उसे कुछ समझ नहीं आता। ऊपर से उसके फोन और ईमेल पर आ रहे न्यूज रिपोर्टर्स के मैसेज और मेल्स उसका ध्यान बार बार भटका रहे थे, इसीलिए उनसे परेशान होकर वरुण ने मिनी को एक मैसेज किया। वरुण ने मैसेज में लिखा कि मिनी कल सुबह ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रख ले, जिससे कि एक ही बार में सबके सवालों के जवाब दे दिए जाएंगे। इस वक्त मिनी भी अपने लैपटॉप के सामने बैठी नए आइडियाज के बारे में ही सोच रही थी और वरुण का मैसेज पढ़ते ही वो अपने काम में लग गई। वरुण को टाई पहनना जैसे हमेशा से ही पसंद नहीं था, इसीलिए अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के हिसाब से बिना टाई के वो एक डार्क ब्राउन कलर का सूट और उसके अंदर एक बेज कलर की शर्ट पहनकर ऑफिस पहुंचता है। उसके इस लुक को देखकर लड़कियों के साथ ही लड़कों का भी मुड़कर उसे एक नजर देखना लाजमी था। ऑफिस पहुंचते ही वरुण सीधे कॉन्फ्रेंस रूम के सामने पहुंचा, जहां आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी। मिनी एक ब्लैक पेंसिल स्कर्ट पर लाइट पिंक कलर की शर्ट पहने कॉन्फ्रेंस रूम के सामने खड़ी वरुण का ही इंतजार कर रही थी और उसके आते ही उसने वरुण के हाथ में एक फाइल खोलकर रखते हुए कहा, ये उन सवालों की लिस्ट है जो आज रिपोर्टर्स तुमसे जरूर पूछेंगे, तुम एक बार इन्हें पढ़ के अपने दिमाग में अपने जवाब सोच लो, वो लोग 10 मिनट तो तुम्हारा इंतजार कर ही सकते हैं। इस वक्त मिनी के चेहरे पर टेंशन साफ नजर आ रही थी, इसीलिए वरुण ने अपने हाथ में रखी फाइल को बंद कर मिनी के कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए उसे एक गहरी सांस लेने का इशारा किया, लेकिन मिनी इस वक्त ऐसा कुछ करने के मूड में नहीं थी। मिनी ने वरुण के हाथ को झटकते हुए कहा, वरुण इन सबका टाइम नहीं है हमारे पास और ना ही इस बात के लिए इस कॉन्फ्रेंस में हुई किसी गड़बड़ी को सुधार सके, इसीलिए। मिनी अभी बोल ही रही थी कि वरुण ने उसकी बात काटते हुए कहा, मिनी तुम्हें पता है ना, तुम्हें टेंशन में देखकर मैं टेंशन में आ जाता हूँ, इसीलिए अब रिलैक्स करो और मुझे अपना काम करने दो। ये कहकर वरुण कॉन्फ्रेंस रूम के दरवाजे की तरफ बढ़ता है और गार्ड्स के दरवाजा खोलते ही वरुण हमेशा की तरह अपने ब्लेजर के बटन्स को खोलता मुस्कुराता हुआ स्टाइल से चलते हुए रूम के अंदर घुस जाता है। वरुण को आते देख कमरे में बहुत सारे फ्लैशेज एक साथ जलने लगते हैं और उसके चेयर पर बैठते ही रिपोर्टर्स के मुंह से सवालों की झड़ी लग जाती है। सर, क्या वो डिजाइन सच में आपके ब्रांड के लॉन्च के लिए ही थे? सर, क्या आप हमें बता सकते हैं कि ये पिक्चर किसने और क्यों लीक की है? सर, एक इंटरनेशनल डिजाइनर ने लीक हुए डिजाइनर को अपने डिजाइन की कॉपी बताया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वरुण एक एक करके रिपोर्टर्स के सारे सवालों के जवाब तसल्ली से देता है। उसके बाद एक और सवाल आता है उसके पास। रिपोर्टर्स की भीड़ में बैठी एक लड़की वरुण से पूछती है, वरुण सर, लॉरेंस जिसे आप अपना गुरु कहते थे और आज जो आपके सामने कंपटीशन की तरह खड़े हैं, उनका मानना है कि ये बस आपका एक पब्लिसिटी स्टंट है, आप उन्हें क्या जवाब देना चाहेंगे सर? ये सवाल सुनकर वरुण पहले मुस्कुराता है और फिर उस लड़की के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, आपको नहीं लगता कि पब्लिसिटी स्टंट के लिए मेरे सेट डिजाइन्स को लीक करना मेरे लिए बहुत महंगा सौदा होगा मैडम? और मैं ऐसी पब्लिसिटी में दिमाग नहीं लगाना चाहता, क्योंकि मेरे पास एक मार्केटिंग टीम है जिस पर मुझे पूरा भरोसा है, मुझे पता है कि वो इससे बेहतर कर सकती है। ये जवाब सुनकर वो फीमेल रिपोर्टर मुस्कुराती हुई अपनी जगह पर वापस बैठ जाती है और तभी एक आदमी खड़े होकर वरुण से पूछता है, सर, क्या ये फोटो लीक आपके कम तजुर्बे की तरफ एक इशारा नहीं है? मेरा मतलब है कि सोशल मीडिया पर एक गुट ये भी कह रहा है कि भले आपने शुरुआत में बड़े बड़े वादे और दावे कर दिए, लेकिन बाद में जब आपको वो पूरे होते नहीं दिखे तो आपने खुद वो फोटोज लीक करके अपनी इज्जत बचानी चाहिए, इस बात को आप कैसे देखते हैं सर?
ये सवाल पूछने के बाद रिपोर्टर ऐसे मुस्कुराता है जैसे उसने वरुण को अपने शब्दों के जाल में फंसा लिया हो। वहीं वरुण, जिसने इससे पहले भी ऐसे ही एक और सवाल का जवाब दिया था, उसने अभी कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि कॉन्फ्रेंस रूम के खुले दरवाजे से कोई अंदर आया और आकर वरुण के सामने रखा माइक अपनी तरफ मोड़ लिया। ये और कोई नहीं बल्कि आलिया थी, जो कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर खड़ी वरुण के जवाब सुन रही थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के खत्म होने का इंतजार कर रही थी ताकि वरुण से बात कर सके। आलिया का अचानक इस तरह वहां आ जाना वरुण के साथ साथ बाकी सब के लिए भी एक झटका था और इस वक्त आलिया माइक की तरफ झुककर वरुण के इतने करीब आ गई थी कि सारे कैमरामैन इस पल को अपने कैमरे में कैद करने के लिए खड़े हो गए। तभी आलिया ने उस रिपोर्टर के सवाल का जवाब देते हुए कहा, मिस्टर XYZ, जो भी आपका नाम है, क्या आपके पास इस बात का कोई सबूत है कि ये खुद वरुण ने किया है? अगर नहीं तो प्लीज अपना मुंह बंद रखिए। अगर आप किसी के मेहनत की कद्र नहीं कर सकते तो उस पर सवाल उठाने का भी आपका कोई हक नहीं है। आलिया का जवाब सुनकर उस रिपोर्टर की हवाइयां उड़ गई और वो चुपचाप अपनी जगह पर वापस बैठ गया। इसके बाद आलिया ने फिर एक बार माइक में पूछा, और किसी को कोई सवाल पूछना है? लेकिन कमरे में सन्नाटा छाया रहा और आलिया ने वरुण की तरफ मुड़ते हुए उससे कहा, अगर तुम भूल नहीं रहे हो तो तुम्हें नए आइडिया पे काम करना है। लेकिन इस वक्त वरुण आलिया को एक टक देखने में इतना खोया था कि उसे उसकी बात सुनाई नहीं दे रही थी कि तभी आलिया ने वरुण का एक हाथ पकड़कर उसे उसकी चेयर से उठाते हुए कहा, चलो, और वरुण को सबके सामने से खींचती हुई कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर ले आई। जब तक आलिया और वरुण कैमरामैन की नजरों से ओझल नहीं हो गए तब तक उनके कैमरे उन दोनों की फोटो लेते रहे। मिनी को जिस बात का डर था वही हुआ था, लेकिन आलिया और वरुण की साथ में जो इमेज लोगों तक पहुंची थी उसकी मिनी को बहुत खुशी थी। आलिया और वरुण को बाहर आता देख मिनी ने कहा, तुम दोनों वरुण के केबिन में चलो, मैं बस 5 मिनट में वहां आई। ये कहकर मिनी कॉन्फ्रेंस रूम में चली जाती है। वहीं आलिया और वरुण लिफ्ट की तरफ। वरुण के केबिन में पहुंचते ही जैसे वरुण को होश आता है और वो आलिया के हाथ से अपना हाथ अलग करता हुआ उससे पूछता है, अभी अभी तुमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या किया आलिया, तुम होश में तो हो? वरुण की ये बात सुनकर आलिया थोड़ी परेशान होती हुई वरुण से कहती है, मैं तो होश में हूँ वरुण, लेकिन तुम्हें क्या हो गया है? क्या जरूरत थी तुम्हें ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रख के सबको अपनी सफाई देने की? 10 दिन बाद अपने ब्रांड लॉन्च से तुम सबके मुंह पर ताला लगाने ही वाले थे ना? आलिया की बात में दम था, लेकिन इस वक्त वरुण का ध्यान किसी और बात पर था, इसीलिए उसने आलिया के सवाल के बदले अपना सवाल दागते हुए उससे कहा, मैं उनके मुंह पर ताला बाद में लगाऊंगा आलिया, लेकिन तुम्हें पता भी है आज तुम्हारे गुस्से और एक गलत फैसले की वजह से अब लोग हमारे बारे में क्या क्या बात करेंगे, कितनी गलत मतलब निकालेंगे। आखिर क्या जरूरत थी तुम्हें वहां आने की? क्या तुम्हें भी लगता है कि मैं एक बच्चा हूँ और मुझे कुछ नहीं आता? मेरा हाथ पकड़कर तुम साबित क्या करना चाहती थी? आलिया के पास वरुण के इन सवालों का कोई जवाब नहीं था, लेकिन अब वो पहले से थोड़ी शांत हो गई थी, इसीलिए उसने वरुण को समझाते हुए कहा, मैं कुछ साबित नहीं करना चाहती थी वरुण, और सच कहूँ तो मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन हमारे बारे में क्या कहता है, क्योंकि सच्चाई क्या है ये हम दोनों जानते हैं। इस पर वरुण थोड़ा झुंझला कर कहता है, बात ही वही है आलिया कि सच्चाई सिर्फ हम दोनों जानते हैं, पूरी दुनिया नहीं। वरुण चाहकर भी आलिया को नहीं समझा सकता था। वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से आलिया की इज्जत पर आंच आए और वो इतनी अच्छी दोस्त खो दे, इसीलिए उसने कुछ सोचते हुए आलिया से कहा, अभी तुम यहाँ से जाओ आलिया, मुझे थोड़ी देर अकेले रहना है, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। वरुण की ऐसी हालत देखकर आलिया वरुण की तरफ एक कदम बढ़ाती है, लेकिन फिर कुछ सोचकर अपने कदम को केबिन के दरवाजे की तरफ मोड़कर कहती है, अपना ध्यान रखना वरुण, और कभी भी एक दोस्त की जरूरत पड़े तो प्लीज कॉल करने से झिझकना मत, बाय। ये कहकर आलिया दरवाजे से बाहर निकल जाती है और अपनी डेस्क से टिक कर खड़ा वरुण अपनी गर्दन झुकाए रहता है। आलिया और वरुण का रिश्ता इस वक्त किस मुकाम पर था इस बात से वो दोनों ही अनजान थे। दोनों इस उम्र में थे कि कब एक नजरों की तकरार उनकी दोस्ती को प्यार का नाम दे दे, कहना मुश्किल था। जहां एक तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वरुण को अपनी प्रॉब्लम कम होने की बजाय और बढ़ती नजर आ रही थी, वहीं दूसरी तरफ शाम को घर लौटने के बाद उसकी मुसीबत और बढ़ने वाली थी। वरुण जब तक घर पहुंचा तब तक शाम ढल चुकी थी और समंदर का रंग अब लाल से काला होने लगा था। घर पहुंचकर वरुण सीधे अपने पापा के कमरे में गया।
उसे उनसे कुछ बात करनी थी, लेकिन उसने देखा कि वो सो रहे हैं। तो वरुण ने उन्हें डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा और वो धीरे से उनके कमरे का दरवाजा लगाकर अपने कमरे में चला गया। अपने कमरे में पहुंचने पर वरुण ने देखा कि बेड के पास एक साइड लैम्प जल रहा है और उसने खुद से कहा, ये कैसे चालू है? और वरुण अपना बैग टेबल पर रख अपने बिस्तर पर लेटने वाला होता है कि उसे बालकनी से किसी औरत की परछाई दिखती है। परछाई देखकर पहले तो वरुण थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन फिर उसकी तरफ बढ़ता है, तभी वो औरत कहती है, तुम्हारी बालकनी से तो पूरा बीच दिखता है वरुण। भाभी रायमा की आवाज सुनकर वरुण और घबरा जाता है और अपनी जगह पर खड़ा होता हुआ कहता है, भाभी आप इस वक्त मेरे कमरे में क्या कर रही हैं? वरुण की आवाज में घबराहट भाप कर रायमा हंस पड़ती है और उसकी तरफ बढ़ती हुई कहती है, कहीं मैंने तुम्हें डरा तो नहीं दिया? और मैं तुम्हारे कमरे में तुम्हारा इंतजार कर रही थी, और क्या करूंगी मैं यहाँ? अब तुम्हारे भैया तो चले गए चाचा जी के साथ बाहर, और मैं चाची से भी कितनी बात करती, इसीलिए मैं यहाँ आ गई तुम्हारे पास। अब तक वरुण ने रायमा को जितना परखा था, वो जानता था कि अगर भाभी इस वक्त उसके कमरे में आकर ऐसी बातें कर रही है, इसका मतलब साफ है कि उनके इरादे नेक नहीं है। इसीलिए उसने रायमा को नजरअंदाज करते हुए दूसरी तरफ मुड़ते हुए उनसे कहा, मैं बस चेंज करके नीचे ही आ रहा हूँ भाभी, आप चलिए हम वहीं बैठकर बातें करेंगे। लेकिन आज रायमा यहाँ से जाने के लिए नहीं आई थी, इसीलिए उसने आगे बढ़कर वरुण के शर्ट के बटन को खोलते हुए कहा, हम साथ में ही चलते हैं ना नीचे, वैसे भी अकेले वहाँ मेरा मन नहीं लगेगा। अपने भाभी के इस तरफ अचानक करीब आ जाने से वरुण चौंक जाता है और रायमा के हाथ से अपनी शर्ट को झटकता हुआ कहता है, ये मैं खुद कर लूंगा भाभी, और आप नीचे जाइए इससे पहले कि आपको यहाँ देख भैया या और कोई कुछ कहे। ये सुनकर रायमा खिलखिला कर हंसती है और एक बार फिर वरुण के करीब आकर उसके गाल पर अपनी उंगलियां फेरती हुई कहती है, उफ़, तुम कितने भोले हो वरुण, तुम्हें अभी तक लगता है कि इस दुनिया में भरोसा और विश्वास जैसी चीज है? लेकिन मुझे तुम्हारी यही नादानी तो पसंद है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे भैया मुझे यहाँ तुम्हारे साथ ऐसे देखेंगे तो नाराज होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मारा करते। वरुण रायमा की इस बात का मतलब नहीं समझ पाता और रायमा के हाथ जो अब वरुण के गाल से गर्दन को छूते हुए उसकी छाती को महसूस कर रहे थे, वरुण उन्हें हटाता हुआ कहता है, मुझे आप दोनों की रिलेशनशिप में कोई इंटरेस्ट नहीं है भाभी, आप यहाँ से जाओ प्लीज। लेकिन रायमा वरुण की एक नहीं सुनती और उसकी शर्ट का कॉलर पकड़ अपनी तरफ खींचती हुई कहती है, क्यों तुम्हें ये जानने में इंटरेस्ट नहीं है वरुण कि तुम्हारा बड़ा भाई मुझे कैसे ट्रीट करता है? क्यों तुम नहीं जानना चाहते कि शादी होने के बाद भी उसके और कितने लड़कियों के साथ अफेयर हैं? क्यों मेरी 100 सौतनों के बारे में सोचकर मैं रोज रात अपना खून जलाती हूँ, जबकि तुम्हारा भाई जब चाहे तब मुझे किसी पायदान की तरह रगड़ कर चला जाता है। ये कहते हुए रायमा वरुण को बिस्तर पर धक्का दे देती है और वरुण उससे पूछता है, ये आप क्या कर रही हैं भाभी, क्या रंग लाएगी आज की शाम? क्या वरुण बच पाएगा रायमा के गलत इरादों से? जानने के लिए सुनिए लक बाय चांस का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर।